हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपाली गर्ग। वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दी आई। तो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आई में ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जो आई को मेनली प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारी आई होती है ये बॉल की फॉर्म में होती है। गाइस, ये जो आई होती है ये स्कल में एक डीप सॉकेट प्रेजेंट होता है। तो गाइस, इस साइड पे एक डीप सॉकेट होता है, तो उस सॉकेट में हमारी आई प्रेजेंट होती है। और गाइस, इस सॉकेट को कहा जाता है ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए ऑर्बिट क्या होता है। डीप सॉकेट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड। गाइस, जो हमारा हेड होता है इसके फ्रंट साइड पे दो डीप सॉकेट प्रेजेंट होते हैं और इन डीप सॉकेट में हमारी आई प्रेजेंट होती है। गाइस, जो आई होती है वो बॉल की फॉर्म में होती है और आई को हम रोटेट कर सकते हैं सिक्स मसल्स की हेल्प से। तो जो सिक्स मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो आई को रोटेट करने में काम आती हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो हमारी आई होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक डीप सॉकेट में प्रेजेंट होती है और उस डीप सॉकेट को कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो कितने ऑर्बिट्स होते हैं, टू ऑर्बिट्स। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आईलेट्स। गाइस, जो आईलेट्स होते हैं ये अपर आईलेट्स एंड लोअर आईलेट्स, तो दोनों जो आईलेट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। गाइस, ये जो दोनों आईलेट्स होते हैं ये मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड गाइस, जब हम अपने दोनों आईलेट्स को बंद कर लेते हैं तो एकदम अंधेरा छा जाता है ना। तो ये जो आईलेट्स होते हैं प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्लस इसके साथ साथ जो लाइट होती है लाइट को शट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, प्रोटेक्ट द आउटर सरफेस ऑफ द आई। पहला फंक्शन हो गया आईलेट्स का कि जो आउटर सरफेस होता है हमारी आई का उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स आता है, कुछ भी जाता है, तो हम अपने आईलेट्स क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, है ना, ताकि हमारी जो आई का आउटर सरफेस है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, देन एंड शट आउट द लाइट। और गाइस, जब हम अपने आईलेट्स को बंद कर लेते हैं तो जो लाइट की एंट्री होती है वो नहीं हो पाती, तो लाइट को क्या कर देता है, ये शट आउट कर देता है। ठीक है गाइस, जो आईलेट्स होते हैं आईलेट्स बाहर की तरफ एक्सटेंड होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आईलैशेस में। ठीक है, तो गाइस आईलैशेस प्रेजेंट होती हैं। आईलैशेस का भी फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी आई में एंटर नहीं होने देते ये आईलेट्स। ठीक है, आईलेट्स एंड आईलैशेस। ठीक है, तो गाइस जो आईलेट्स होते हैं और जो आईलैशेस होती हैं दोनों का ही फंक्शन किसका होता है, प्रोटेक्शन का। जो आईलेट्स होते हैं ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी आईज के आउटर सरफेस को, प्लस लाइट का जो लाइट है उसको शट आउट कर देते हैं। आईलेट्स बाहर की तरफ एक्सटेंड होके आईलैशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो आईलैशेस होती हैं ये बिगर पार्टिकल्स को हमारी आई के अंदर जाने नहीं देती। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आईब्रोज। गाइस, जो आईब्रोज होती हैं ये एक्चुअल में आई का पार्ट नहीं होती, है ना, क्योंकि आई का पार्ट नहीं है आईब्रोज। बट गाइस, ये जो आईब्रोज होती हैं इनका फंक्शन भी होता है प्रोटेक्शन का। मान के चलिए रेन ड्रॉप आ रही है, तो गाइस रेन ड्रॉप को डायरेक्टली आई में नहीं जाने देती, क्योंकि अगर रेन ड्रॉप आती है तो आईब्रोज से होती हुई ये साइड से निकल जाती है, आई में डायरेक्टली नहीं जा पाती। या फिर पर्सपिरेशन के टाइम जब हमें बहुत स्वेटिंग होती है तो उस टाइम पे जब स्वेट निकलता है तो गाइस आईब्रोज की हेल्प से जो स्वेट होता है वैसे साइड से निकल जाता है, डायरेक्टली आई के अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो जो आईब्रोज होता है ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है टियर ग्लैंड्स। गाइस, टियर ग्लैंड्स को लैक्रिमल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये जो टियर ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा जो ऑर्बिट होता है, जो सॉकेट होता है, इसमें अपर साइड पे साइडवर्ड पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो इधर की साइड ये प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो गाइस इनकी लोकेशन हो गई एट द अपर साइडवर्ड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट। तो जो हमारा ऑर्बिट होता है, जो सॉकेट होता है, इसके ऊपर की साइड और साइडवर्ड पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं ये लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो गाइस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऊपर की साइड और साइडवर्ड पोर्शन में
ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड को टियर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और गाइस ये जो ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं टीयर्स को, ठीक है। गाइस जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स हमारे आइस के आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। तो 6 to 12 डक्स प्रेजेंट होती हैं। 6 to 12 डक्स हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं वहाँ से निकलती हैं और हमारे आइस के आउटर सरफेस पर आती हैं। तो गाइस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है, इस लैक्रिमल ग्लैंड से 6 to 12 डक्स निकलती हैं। और ये जो डक्स होती हैं ये कहाँ पर ओपन होती हैं, हमारे जो आउटर पोर्शन है आई का वहाँ पे। देन आईलेट्स की हेल्प से ये जो टीयर होते हैं ये पूरी आईज में स्प्रेड हो जाते हैं। और गाइस आईज को आई का जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस टीयर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी आईज में। फर्स्ट है लुब्रिकेट द सरफेस ऑफ द आई। गाइस आई के सरफेस को लुब्रिकेट करते हैं। जब हम आईलेट्स को मूव करते हैं तो जो टीयर्स होते हैं वो पूरी आई में स्प्रेड हो जाते हैं, आई को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है वॉश अवे डस्ट पार्टिकल। गाइस जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, हमने देखा होगा कि जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आई के अंदर चला जाता है तो एकदम से टीयर सिक्रीट होने लगता है, पूरी आईज में टीयर्स हो जाते हैं। तो गाइस ये जो टीयर्स होते हैं ये जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसको वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेल्प इन किलिंग जर्म्स। गाइस हमारे जो टीयर्स होते हैं इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है लाइसोजाइम। गाइस ये जो एंजाइम होता है ये जितने भी जर्म्स होते हैं आइस के अंदर, जो भी जर्म्स चले जाते हैं उनको मार देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है कम्युनिकेट इमोशंस। गाइस आपने देखा होगा कि जब हम बहुत सैड होते हैं तो टीयर्स निकलते हैं, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं ना खुशी के आंसू हैं, तो उस टाइम पे टीयर्स निकलते हैं। तो गाइस जो हमारे टीयर्स होते हैं ये हमारा इमोशंस भी बताते हैं कि हम बहुत सैड हैं या फिर हम बहुत खुश हैं, ठीक है। गाइस आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक जो लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स सिक्रीट हो रहे हैं और आई में आ रहे हैं, ठीक है। देन गाइस एक सैक प्रेजेंट होता है, इस सैक में टीयर्स आते हैं, इधर की साइड एक सैक प्रेजेंट होता है, उस सैक में टीयर्स आ जाते हैं। गाइस यहाँ से एक डक्ट निकलती है, देख सकते हैं आप, एक डक्ट निकलती है यहाँ से जिसको कहा जाता है नेसोलैक्रिमल डक्ट। गाइस ये जो नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है ये आई को नोज से कनेक्ट करती है, नोज को हमारी थ्रोट से कनेक्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम आई ड्रॉप डालते हैं हमारी आई में, तो कभी कभी वो जो मेडिसिन होती है वो हमारी नोज में भी आ जाती है और कभी कभी थ्रोट तक आ जाती है। या आप जब नोज में कोई ड्रॉप डालते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वो मेडिसिन हमारी थ्रोट में आ जाती है। क्यों? क्योंकि गाइस ये जो नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है ये हमारी आई, नोज एंड जो थ्रोट है उसको आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आपने जनरली नोटिस ही करा है ये चीज़ कि जब भी हम आई में अगर ड्रॉप डालते हैं तो कभी कभी वो ड्रॉप जो मेडिसिन है वो हमारी नोज में भी आ जाती है और थ्रोट में भी आ जाती है। तो गाइस याद रखिएगा कौन सी डक्ट कनेक्ट करती है, नेसो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है गाइस। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो ये जो पूरी डक्ट होती है ये हमारी आई, नोज एंड थ्रोट को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट है कंजक्टिवा। गाइस ये जो कंजक्टिवा है ये हमारी आई की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो देखिए थिन मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द एंटायर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। हमारी जो पूरी आई है इसका जो फ्रंट पार्ट है, इस पूरे जो फ्रंट पार्ट है ये थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। गाइस इस थिन मेम्ब्रेन को कहा जाता है कंजक्टिवा, ठीक है। गाइस देखा होगा आप लोगों ने कभी कभी जब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन में जो हमारी आई की ये जो लेयर होती है ये एकदम रेड हो जाती है, ठीक है। तो गाइस ये जो रेड हो गई ये एक्चुअल में जो हमारी कंजक्टिवा लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो गाइस उसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। गाइस कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारी कंजक्टिवा लेयर होती है वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो गाइस ये सारे पार्ट्स वो पार्ट्स हैं
जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी जो आई का आउटरमोस्ट सरफेस होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबके फंक्शंस याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।